मेरा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां इस्लाम इकबाल साहब, मिनिस्टर फॉरेन डिस्ट्री, सूबाई वज़राए किराम, अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली, चेयरमैन डेल्टा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मज़द ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हनरमंद नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीर में शिरकत मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। यह प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नौजवानों के वीन का आकाश है। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम से किए गए अपने एक और वादे की तकमील की तरफ अहम कदम उठा रहे हैं। मैं पूरे एतमाद और यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फरहमी रोज़गार के लिए किए गए वादे पूरे करेगी। और इस बात का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों के मुस्बत नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। आलमी सतह पर बेहतर माशी इदारियों की रेटिंग तय करने वाले इदारों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, और दाखिली सतह पर इसकी तस्दीक इस तरह से हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर अब हमें ज्वाइन कर रहा है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़श्ता बरसों में प्राइवेट सेक्टर का ये गुमान था कि पब्लिक सेक्टर में शफाफियत और मेरिट ना होने की वजह से दोनों का इश्तराक काबिल अमल नहीं। दोस्त मुल्क चीन के इश्तराक से पाकिस्तान चाइना इक्तसादी राहदारी के मंसूबे तेज़ी से तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 सेक्टर्स में पंजाब के 11 से ज़ायद मंसूबे सी पैक में शामिल हैं। सी पैक के तनाजर में हनरमंद नौजवान प्रोग्राम इसलिए भी बेहद अहमियत का हामिल है कि सी पैक के लिए पंजाब में हनरमंदों की ज़रूरत को हनरमंद नौजवान के ज़रिए ही पूरा किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि हनरमंद नौजवान किसी भी रियासत का असासा होते हैं और रियासत की तामीर और तश्कील में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। इस तनाजर में टेल्का की अहमियत गुजरते वक्त के साथ मज़ीद बढ़ती जाएगी, और उसकी एक वजह यह है कि नए चैलेंजेस का सामना है और टेक्नोलॉजी तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रही है। दूसरी वजह यह कि टेल्का के इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाने के लिए गुज़श्ता अदवार में खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। मेरे लिए ये अमर बाएस इत्मीनान है कि टेल्का जदीद टेक्नोलॉजी और वक्त के तकाजों से हम आहंग नए हनर नौजवान को मुंतकिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और तरक्की के इस मिशन के लिए सरकार वसाइल की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हनरमंद नौजवान प्रोग्राम माज एक रस्मी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हकीकी मानों में आवाम की माशी किस्मत बदलने का एक ऐसा मनसूबा है जो गेम चेंजर साबित होगा। इस फोरम के ज़रिए एक बार फिर ये वादे कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़वातीन की खुद मुख्तियारी पर न सिर्फ यकीन रखती है बल्कि इनके लिए माशी मौके पैदा करने और इनके हकूक के तहफ़ुज़ के लिए कमर बस्ता है। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि टेल्का में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मुतद कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हनरमंद नौजवान से इब्तदाई तौर पर 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान मुस्तफीद होंगे। इंशाअल्लाह अगले 4 साल में हम इसे बतदरीज बढ़ाते हुए 9.25 लाख मजीद नौजवानों को इस इदारा कार में शामिल करेंगे। और मैं यहाँ ये जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मुल्क भर में रोज़गार की फरहमी का जो हदफ मुकर्रर किया गया है, इसका तकरीबन 60% पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी 2023 के तहत पंजाब से पूरा किया जाएगा।
اور پنجاب اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح یکسو اور پرعزم ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر نہ صرف کسی خاندان کی معاشی حالت میں بہتری لائی جا سکتی ہے بلکہ ہنرمند افراد قوت بڑے ملکی اداروں میں روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے، اور جس سے ملکی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھے گی اور ملک میں قیمتی زرعی مبادلہ آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں 4 ٹیکنیکل یونیورسٹیوں کے قیام کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے، ان میں پنجاب گیان چند ٹیکنیکل یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی راول پنڈی، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول منڈی بہاؤدی اور ڈیرا غازی خان میں بھی چاکر خان دینت یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ پیسا کے زیر اہتمام ان اداروں میں نوجوانوں کو بی ایس پروگرام آفر کیے جائیں گے۔ میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ٹیٹا بلکہ ٹیٹا کے زیر انتظام ٹیکنیکل اداروں کی نصاب کو جدید دور کی ضرورت کے مطابق عصر نو تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ ٹیٹا کے ٹیکنیکل اداروں میں نہ صرف نوجوانوں بلکہ اسٹاف کے لیے بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 150 سے زائد ٹریڈ کے لیے 1,00,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہوتے ہیں جن میں مرد اور خواتین دونوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مجھے یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ ٹیلٹا کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ادارے کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یقیناً ان اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے اور پنجاب کا نوجوان آگے بڑھے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کے ہر قسم کی ضروریات اور خواہشات سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو معاشی خود مختاری سے روشناس کرانے کے لیے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں چیئرمین ٹیپٹا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیپٹا اور ان کی ٹیم کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ڈونرز کا، یورپی یونین کا، ٹیپٹا حکام کا، صنعتی اداروں کے نمائندوں کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کی تشکیل، عمل درآمد، کامیابی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔